एशियन विवेकानंद अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता के नए झंडे गाड़ने का कार्य किया है। मुरादाबाद महानगर में कार्ट रोड स्थित एशियन विवेकानंद अस्पताल में दिल की 3 जटिल बीमारियों लुटेम्बाचर सिंड्रोम का सफल इलाज करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। जनपद संभल की चंदोसी निवासी 40 वर्षीय महिला भगवान देवी का इलाज करके ये कामयाबी हासिल की गई है। 16 फरवरी की शाम को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गीतेश मानिक ने पत्रकारों को बताया कि इस महिला को पिछले 10 से 11 दिनों से सांस फूलने, वजन के लगातार कम होने और पेशाब बहुत कम आने की दिक्कत हो रही थी। ये महिला शुगर एवं हाइपरटेंशन की मरीज भी थी जो चंदोसी स्थित विश्वकर्मा हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंची थी, जहां डॉक्टर कमल कौशिक ने इनको देखकर तुरंत ही एशियन विवेकानंद अस्पताल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतेश मानिक के पास भेज दिया। डॉक्टर गीतेश मानिक ने रात में ही लगभग 10-30 बजे के आसपास महिला को एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया और महिला की जांचों के बाद पाया कि इस महिला को दिल की एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जिसको लुटेम्बाचर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर गीतेश मानिक ने दिल की इस जटिल बीमारी का बेहद सावधानी पूर्वक सफल उपचार किया। ये पूरा प्रोसीजर बिना किसी चीरफाड़ के किया गया। महिला अब बिल्कुल स्वस्थ है एवं उसको छुट्टी करके घर भेजा जा रहा है। डॉक्टर गीतेश मानिक ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों को बताया। इसका नाम भगवान देवी है। वो कुछ दिनों पहले हमारे पास आई थी, चंदौसी की पेशेंट है। बेसिकली इसको सांस फूलों की तकलीफ 10-12 दिन से काफ़ी ज़्यादा थी। इसके लिए वहाँ डॉक्टर कमल जो मेरे बगल में बैठे हैं, हमारे मित्र भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं चंदौसी में, तो इन्होंने इनको वहाँ देखा था, जहाँ इन्होंने पाया कि पेशेंट को एक वाल्व जो है उसका ऑक्लूडेड है, स्टेनोज था बेसिकली। इसको रिमेटिक प्रॉब्लम थी जिसके से उसको सांस फूलने की दिक्कत थी, लेकिन साथ ही साथ उनको डाउट हुआ कि उनका हार्ट में एक छेद भी है, इसको ASD बोलते हैं या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज़ और थी उसमें कि इसके झिल्ली के चारों ओर काफ़ी ज़्यादा पानी एक्यूमुलेटेड था। उनको डाउट हुआ, कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, ऑक्सीजन कम चल रही थी, उनको तुरंत एम्बुलेंस से यहाँ विवेकानंद अस्पताल में शिफ्ट किया गया। तो वो पेशेंट रात में आके एडमिट हुई थी, जिसके बाद उसको एवेल्युएट किया गया। 2 दिन उसको NIV यानी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे रखा गया, कुछ मेडिसिन पे स्टेबलाइज किया गया। मीनवाइल सारी जांचें हुई, उसमें एक्सटेंसिव उसका जब एको किया गया, उसमें पाया गया उसको 28 mm का दिल में छेद था। साथ ही उसका जो माइट्रल वैल्व, जो लेफ्ट साइड का एक वैल्व था, वो सुखड़ा हुआ था, जिसका क्षेत्रफल अराउंड 0.7 के आसपास था। साथ ही अराउंड मॉडरेट टू लार्ज काफ़ी बड़ा उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी था, यानी झिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पानी भी था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो बेसिकली जब इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको एक अंग्रेजी साइंटिस्ट ने पहले डिस्कवर किया था, जिसका नाम लुटेम्बाचर सिंड्रोम है, तो वो पाया गया। अब पॉइंट ये था कि इसको उपचार कैसे करें, तो हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो चीरफाड़ वाले ऑपरेशन के लिए जाएं, यानी बाईपास वाले ऑपरेशन के लिए जाएं, इसमें वैल्व बदलें और साथ ही जो ASD है उसको क्लोज करें पैच द्वारा, या दूसरा प्रोसीजर था कि परकुटेनियस मतलब धमनियों द्वारा जाएं अंदर और उस बलून को चौड़ाएं, बलून से उस वाल्व को चौड़ा दें और जो छेद है उसको एक बटन द्वारा बंद कर दें। तो फाइनली सारी कंडीशन देखते हुए, उसकी फिजिकल कंडीशन देखते हुए ये डिसाइड हुआ कि उसको जो लेस इंटरवेंशन वाला प्रोसीजर है, यानी नॉन इन्वेसिव वाला बेसिकली परकुटेनियस प्रोसीजर, उस पार्ट के लिए हम लोग प्लान करें। तो सारी बातें हो गई, बट फाइनली फिर डिस्कशन आया कि इसमें एक्सपेंसेस कितने आएंगे। तो बेसिकली अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो ये दोनों तीनों चीज़ें करने में करीब मेडिसिन का खर्चा लगा के मान के चलिए 4.5-5 lakh का करीब करीब खर्चा आता है एक नॉर्मल हॉस्पिटल में। और पहली बात तो ये कि ये सुविधा मुरादाबाद में सिर्फ हमारे वेकन में अवेलेबल है, या इसके लिए पेशेंट को दिल्ली मूव करना पड़ता। अब दोनों ही चीज़ें उसके लिए मरीज की संभव नहीं थी। तो जहाँ तक अब कॉस्ट की बात आई, तो मेरा डिस्कशन डॉक्टर साहब से हुआ कि इसमें कैसे कर सकते हैं, तो वो फिर आगे बढ़ के आए, कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का मरीज़ है, तो इसमें एक करीबन 1.5 lakh का अनुदान उन्होंने डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से किया, जिसके लिए जो मेरे से कॉस्ट है वो हमारी संपन्न हो पाई। और बाकी का हॉस्पिटल के लिए मैंने डायरेक्टर से डॉक्टर इलाज से सबसे बात करी, और फाइनली वो भी एग्री हुए कि हम अपना पार्ट इसमें छोड़ देंगे। तो फाइनली ये सब चीज़ें होने के बाद पेशेंट को एक दिन पहले सर्जरी की गई, दैट इज़ परकुटेनियसली उसका वाल्व को भी खोला गया और उसमें डिवाइस भी लगाया गया, साथ साथ जो दिल की झिल्ली में पानी था वो निकाला गया।
अब वो पानी की जांच में टीबी पाया गया है वो एक अलग बात है, लेकिन जो छेद था वो ब्लॉक कर दिया गया है डिवाइस से और जो बल जो वाल्व स्टेनोज था उसे ओपन कर दिया गया है। डॉक्टर साहब मरीज को टोटल क्या पे करना पड़ा? देखिए मरीज जब इनिशियली लैंड हुआ था तो जो भी दवाई का खर्च आया होगा इनिशियली बस वही दिया है, उसके बाद सर्जरी से संबंधित उस मरीज ने कुछ भी पे नहीं किया है। मीनवाइल एक समय तो ये आया था कि जब ये हमारी बात नहीं हुई थी तो वो जाने के लिए तैयार था कि हमें घर भेज दीजिए, अब जो स्थिति ये है हम उसको अपनाएंगे, पेशेंट जिएगा या मरेगा वो अब ऊपर वाले के हाथ में है। बट इसी पॉइंट पे जब हमने आगे डिस्कस किया कि हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट की तरफ से और हमारे विश्वकर्मा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कमल की तरफ से जब ये हेल्प आई तो हम इस इलाज को संभव कर पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विश्वकर्मा हॉस्पिटल चंदूसी के डॉक्टर कमल कौशिक से जब इस अवसर पर बातचीत की गई तो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर कमल किशोर विश्वकर्मा हॉस्पिटल चंदूसी से हूँ, मैं भी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, एक पेशेंट हमारे पास ही आया था चंदूसी, डॉक्टर साहब की भी चंदूसी विजिट रहती है मंथली, तो इस पेशेंट को देखा तो उसको आइडियली सांस फूलने की शिकायत थी, पैरों में सूजन थी और काफ़ी टाइम से परेशान थी, इसको डायग्नोसिस नहीं किया गया था अभी तक। जहाँ तक इस केस के मिलने की बात है, मैंने भी अपनी लाइफ में सिर्फ सुना ही था, देखा नहीं था, तो फर्स्ट टाइम जब हमारे सामने केस आया, क्योंकि तो अलग अलग दो तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है इसमें, अगर हम अलग अलग लेके चलते हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट हमको मिलते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन में इसको लिटिल बैकर सिंड्रोम कहा गया, इसमें ASD प्लस मेटल स्टेनोसिस दोनों चीज़ को एक ही साथ एक ही पेशेंट में मिलना अभी तक नहीं हो पाया, तो ये अपने आप में एक नई चीज़ थी और पेशेंट इतने कैपेबल नहीं थे, तो फर्स्ट एड उनको दी गई, फर्स्ट एड देकर डॉक्टर साहब से बात की गई, उनको यहाँ मूव किया गया, उन्होंने उसको कंफर्मेशन किया और प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि इसको इतनी कम एज में अगर इसको ये रहेगा तो वो उसके साथ में जिंदा नहीं बच पाए। डॉक्टर साहब ये तो उस मरीज का सौभाग्य है कि आप जैसे लोग मिल गए, लेकिन जनरली अगर ऐसा टिपिकल कोई पेशेंट आए तो उसको कितने एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे लगभग? पर्टिकुलर यही पेशेंट मतलब? हाँ इसी टाइप का अगर कोई ऐसा कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया तो उसका कितना खर्चा आ जाएगा? तो डॉक्टर ने बताया करीबन 3.5-4 लाख के आसपास, 5 लाख 4 लाख प्लस में खर्चा उसका आएगा। उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने लोकल या नियर बाई इस चीज को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके बाद में उसका सेकंड एक्सपेंसेस आएगा जो किसी मेट्रो सिटी में जाएगा, जहाँ पर ना तो उसको कोई जानने वाला होगा ना कोई पहचानने वाला होगा, तो एक दूसरे हार्डअप उसको मिलेगा, तो वो चीज़ अगर अपने लोकल जगह पर मिल जाती है, जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एशियन ग्रो कर रहा है अपनी नई नई सुविधाओं के साथ में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पेशेंट को उसके ही घर में वैसा ही इलाज मिल जाए जैसे कि वो चाहता है, उसके मनचाहे पैसों में, अगर पैसा नहीं है तो लोग आगे बढ़ें और मदद करें ऐसे लोग। इस पूरे प्रोसीजर में ध्यान देने वाली मुख्य बात ये है कि पूरे प्रोसीजर का खर्च लगभग 4.5-5 लाख रुपए आता है। महिला की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ये खर्च उठा पाए। उसकी इस स्थिति को देखते हुए विश्वकर्मा हॉस्पिटल चंदूसी ने महिला की 1.5 लाख रुपए से आर्थिक मदद की एवं शेष खर्चा एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल ने बर्दाश्त किया। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के सेंटर मैनेजर शुएब मलिक ने भी महिला की आर्थिक स्थिति देखते हुए महिला से कुछ भी खर्चा नहीं लेने के लिए एशियन ग्रुप के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद से इजाजत ली थी, जिसको दोनों ने ही सहर्ष स्वीकार कर लिया एवं कुछ भी खर्च ना लेने के लिए बोल दिया। इस प्रकार महिला का इलाज पूरी तरह से निशुल्क किया गया, जिसके लिए महिला एवं उसके परिवार ने एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल का विशेष रूप से बहुत ही धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद खुद भी मौजूद रहे। उनके साथ साथ एडमिन हेड सरोज झा, HR हेड मन्नू त्यागी, मार्केटिंग हेड अनिल कुमार पाल, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग अतुल भटनागर भी इस अवसर पर मौजूद रहे।